श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मुनि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। साम्य वस्था धारिणी मूल प्रकृति धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, मैं चाहता हूं कि ईश्वर स्वरूप का ठीक ठीक निर्णय संतों की वाणी के अनुसार हो जाए, फिर आपके बोध में आवे कि उसकी भक्ति कैसे की जाए। जब तक स्वरूप समझ में नहीं आवे तब तक उसकी भक्ति कैसी की जाए बोध में नहीं आता। फिर उसके लिए संयम करना चाहिए जिससे उस भक्ति मार्ग पर ठीक ठीक चला जाए। इन्हीं सब आवश्यक बातों का बोध करने और कराने के लिए सत्संग है। आपको रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान है। इन बाहर के पदार्थों के अतिरिक्त और कोई प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं ऐसा नहीं। लोग इन्हीं को जानते हैं और इन्हें जानने के लिए सबको पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख से रूप, कान से शब्द, जिभ्या से रस, नासिका से गंध और त्वचा से स्पर्श जानते हैं। ये सब कैसे हैं सो सोचिए। जो कुछ भी आप देखते हैं सभी एक तरह से रह जाए हो नहीं सकता। रूप एक तरह रहे, शब्द एक तरह रहे, हो नहीं सकता। शब्द के लिए लोग कहते हैं कि यह अनाश है, सुनने समय शब्द सुनते हैं, उसके बाद उस शब्द को नहीं सुन सकते। लोग विचार में ही जानते हैं कि पहले के भी शब्द आकाश के गर्भ में हैं, परंतु इसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। जब इसको प्रत्यक्ष कर ले तब उसको नित्य समझेंगे। प्रत्यक्ष नहीं रहने पर भी विचार में ऐसा ज्ञान है तो यह आज के ख्याल में अयोग्य नहीं है। शब्द ऐसा नहीं है कि वह पानी में सड़ जाए या आग में जल जाए। जब आप कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है तो जहां गुणी है वहां गुण रहे यह असंभव नहीं है। आप स्थूल इंद्रियों के द्वारा स्थूल यंत्रों से स्थूल आकाश के शब्द सुनते हैं। जल, बर्फ और वाष्प स्थूल है। बर्फ कठिन होने से कठिन, उसका जल होने से तरल और फिर वाष्प होने से वाष्प रूप होता है, किंतु फिर भी स्थूल है क्योंकि स्थूल इंद्रियों से इसका ज्ञान होता है। सृष्टि का विकास एक ही बार में ऐसा हो गया सो नहीं। इसका पूर्व रूप सूक्ष्म था और है, उसके बाद स्थूल है। पहले सूक्ष्म मंडल है जिसमें स्थूल मंडल बना। इस तरह जो बना सो कभी न कभी बिगड़ेगा, यह असंभव बात नहीं। ऐसी चीज को देखते हैं जो थोड़े समय में बदल जाती है। कोई ऐसी चीज भी है जो जल्दी नहीं बिगड़ती, तो इसके लिए भी आप विचारते हैं कि यह कभी न कभी बदल जाएगा। स्थूलाकाश का विकास सूक्ष्माकाश से हुआ है। यह स्थूलाकाश बदलकर सूक्ष्माकाश में रहेगा और यह भी नहीं रहेगा। सांख्य ज्ञान और संतों के विचार के अनुकूल जानने में आता है कि सृष्टि बनने के लिए एक महान तत्व है जिसको प्रकृति कहते हैं। सृष्टि में उपज, ठहराव और विनाश है, जिसके परिवर्तित विकृत स्थूल में इन तीनों के काम होते देखे जाते हैं। उसके मूल में ये तीनों नहीं हो संभव नहीं। उत्पन्न करने की शक्ति को रजोगुण, पालन करने की शक्ति को सतोगुण और विनाश करने की शक्ति को तमोगुण कहते हैं। ये तीनों गुण सृष्टि के मूल मसाले प्रकृति में ही हैं, अथवा यों भी कह सकते हैं कि ये तीनों गुण ही साम्य रूप में प्रकृति कहलाते हैं, अथवा यों भी कह सकते हैं कि त्रैगुण के सम्मिश्रण रूप को साम्य अवस्था धारणी मूल प्रकृति कहते हैं। किसी गुण का उत्कर्ष और किसी का अपकर्ष
होता है तब सृष्टि होती है। उस प्रकृति से बुद्धि से बुद्धि से अहंकार, उस प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सेंद्रीय और निरेंद्रीय दो प्रकार की सृष्टि हुई है। सेंद्रीय में पहले मन बना और निरेंद्रीय में पहले आकाश बना है। अब जानिए कि आकाश कितना नीचे है। पहले विचार द्वारा किसी वस्तु का सिद्धांत स्थिर होता है, फिर प्रयोग द्वारा उसको प्रत्यक्ष किया जाता है। बिना दार्शनिक विचार के बोध नहीं हो सकता कि किस जिस स्थूलाकाश में हम हैं वह आकाश का अपार रूप है, पूर्व रूप नहीं है। यह स्थूलाकाश सूक्ष्माकाश में लय हो जाएगा। इस प्रकार जब स्थूलाकाश का नाश होगा तब उसका शब्द भी नहीं रहेगा। इसलिए इस स्थूलाकाश का शब्द सत्य नहीं हो सकता। मुंह से शब्द निकलता है, वचन वर्धक यंत्र उस शब्द को दूर तक फैला देता है। यंत्र नहीं रहे तो दूर दूर तक उस शब्द को नहीं सुन पाते, इसलिए शब्द नहीं है, यह कोई बात नहीं। इस तरह वह कायल कर देते हैं कि तब शब्द नित्य कैसे नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि जिस स्थूलाकाश का गुण शब्द है उस स्थूलाकाश के लय होने पर स्थूल शब्द कैसे रह सकता है, इसलिए यह शब्द नाशवान है। विनाश दो प्रकार के हैं, एक केवल बदल जाए परंतु अत्यंता भाव नहीं हो। जैसे आपका शरीर बदलता है, बचपन से अभी तक है, बदला है किंतु अत्यंता भाव इसका नहीं हुआ है। शरीर के मरने और जलाए जाने पर भी इसका अत्यंता भाव नहीं होता, किसी न किसी रूप में इसके भौतिक तत्व रहते ही हैं, इसलिए उसका रहना हुआ। बदलते रहने के कारण असत कहा गया। जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है कि कोई झूठ बोलता है, दूसरा कहता है कि वह झूठा है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह आदमी है ही नहीं है, किंतु वह अपना वचन बदलता रहता है, इसलिए वह झूठा है। समर्थ रामदास की दास बोध नामनी पुस्तक में है कि 100 वर्ष केवल धूप ही धूप होगी, यह भूमंडल जल कर चूना हो जाएगा। 100 वर्ष तक मूसलाधार जल की वर्षा होगी, जैसे इंद्र ने ब्रज पर जल वर्षा की थी, उससे भी विशेष मूसलाधार वर्षा होगी। इस प्रकार वह चूना गलकर पानी हो जाएगा, तब 100 वर्ष तक केवल प्रचंड हवा चलेगी, तब सब पानी कनकन होकर पवन अस्थिर अग्नि में लय हो जाएगा, अग्नि हवा में लय हो जाएगी, हवा आकाश में लय हो जाएगी, आकाश अहंकार में, अहंकार महतत्व में अर्थात बुद्धि में, बुद्धि प्रकृति में लय हो जाएगी और प्रकृति ईश्वर में लय हो जाएगी। क्या अंतिम के लय स्थान के बाद अतिरिक्त और पदार्थों को आप ईश्वर मानते हैं? ये सभी नाशवान पदार्थ हैं। परमात्मा भी यदि नाशवान हो तो उसकी भक्ति करके क्या लाभ? सभी धर्म के लोग परमात्मा को अनाश मानते हैं। गुरु नानक का वचन है, अलख अपार अगम अगोचरी ना तिसु काल न कर्म। जो काल की मर्यादा से बाहर है उसका नाश कैसे हो सकता है? केनोपनिषद में लिखा है कि येन मनसा न मनुते येना हुर्म मनोमतम तदेव ब्रह्म तत्वं विधि नेदं यदीद मुपासते। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालाविच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। यहाँ इस शब्द बहुत महत्व का है। इस नजदीक की चीज को कहते हैं और उस दूर की चीज को कहते हैं। इस इंद्रिय गोचर पदार्थ को कहा गया है, जहां आप शरीर हो वहां इंद्रिय गोचर पदार्थ नहीं हो कैसे संभव है? इंद्रिय गोचर पदार्थ परमात्मा नहीं हो सकता।
इंद्रियों के ज्ञान में वह आ नहीं सकता। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संतमत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 26/11/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। इस प्रवचन पाठ का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।